किया, ये क्या किया तूने? तूने सोने का सेट चुरा लिया? प्रिया तो घर बसने वाला था ना, क्यों तूने इतनी बड़ी गलती कर ली बेटा? और अगर पुलिस वालों को पता चल गया और उन्होंने तुम्हें जेल में डाल दिया तो मैं क्या करूंगी? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो तुम्हें जेल से छुड़ा के ले आए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा अम्मी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो सारा मैम ने तो डब्बा खोल के भी नहीं देखा था, सारा सामान ऐसे का ऐसे गया था। शादी वाला घर है, कुछ भी हो सकता है, किसी ने भी चोरी कर लिया होगा अम्मी। आप परेशान मत हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अम्मी देखिए, उन लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है, ये सेट बेच के मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन बेटा मैं इसे कहाँ रखूंगी, कहाँ छुपाऊँ इसे मैं? हम इसे बेच देंगे, हम इसे जल्द से जल्द बेच देंगे और अपनी पूरी पूरी तैयारी कर लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा हमें। कि तूने क्या किया, क्या किया तूने? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? जैसा मैं कह रही हूं आप बस वैसे करें, मैं संभाल लेती हूं इसे। उफ़ल्ला, पूरे सलोन की इतनी छानबीन की उन लोगों ने, हर चीज उलट पुलट करके रख दी थी। मैंने ही उनसे कहा था कि वो तलाशी ले लें ताकि उनकी तसल्ली हो जाए, क्योंकि सेट उनको घर से मिला नहीं है। मैंने तो उनसे ये भी कहा कि तुम दोनों के घर की भी तलाशी ले लें ताकि उनकी तसल्ली हो जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो लोग तो पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे, उनके घर में शादी चल रही है इसलिए वो किसी भी किस्म की बदमजगी नहीं चाहते। मैम आप खुद क्यों नहीं मेरे और किंजा के घर की तलाशी ले लेती अपने तौर पे? हाँ मैम, सानिया बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर आप अपने तौर पे तसल्ली करना चाहती हैं तो आप हमारे घर की तलाशी ले सकती हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। वो मैम कल मेरे फोन की बैटरी इतनी लो थी कि फोन ऑफ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला आप लोगों की कॉल्स का, लेकिन मैंने जैसे ही अपना फोन चार्ज किया मैंने फौरन आप दोनों से रब्ता किया। बल्कि मैं तो कल ही आपसे ये कहना चाहती थी जब मुझे इस सारे मामले का पता चला कि आप खुद आके मेरे घर की तलाशी ले लें। क्या हो गया तुम दोनों को, दिमाग खराब हो गया है? इतने सालों से मेरे सलोन में काम कर रही हूँ मैं, तुम दोनों पे बहुत भरोसा करती हूँ, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। आइंदा ऐसी बात नहीं करना, बस परेशानी इस बात की है कि सारे वाकये के बाद मेरे सैलून की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कभी भी इतने सालों में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ और मेरे सैलून से एक सोने का सेट चोरी हो गया, कैसे हो सकता है ये? अगर वो लोग पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर रहे तो ये बात ज्यादा आगे नहीं जाएगी मेरे ख्याल से, और मेरा ख्याल है कि वो लोग इस मामले को अब रफा दफा कर देंगे, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। आइला अम्मी कितना खूबसूरत है ना? मैंने बड़ी होशियारी से वो सेट बेच कर ना ये सेट ले लिया। तुम्हें तो कहती हूँ दुल्हन तो सोने के सेट से ही सजती है। लेकिन अम्मी मैंने आपको ये सेट दिया था कि आप बेच के पैसे जमा करें ताकि हम लोग शादी के अखराजात पूरे कर सकें। पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा? हो जाएगा पैसों का बंदोबस्त, मेरी रजिया से फोन पे बात हुई है, वो मुझे अपनी कमेटी दे रही है और कुछ पैसे उधार भी दे रही है। अरे वो मुझे बताना भूल गया तुम्हें, फाखरा से मेरी बात हुई थी फोन पे, वो कह रही थी वलीमे और बारात का जोड़ा उनकी तरफ से होगा। हा? और तुम्हें पता है वो लोग बारात में लोग भी कम लेकर आ रहे हैं। हम सच कह रही हैं? प्यारा लग रहा है ना? बहुत प्यारा, मेरी बेटी शहजादी लग रही है।
और शादी वाले दिन तो इससे भी ज्यादा प्यारी लगेगी। अब इसको संभाल के रख। हाँ जी अम्मी।